बड़ी अपडेट आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक आरोपी अब्दुल ने धर्मांतरण कराने की बात कबूल की है। एक साल पहले दो नाबालिग लड़कों को टारगेट किया और दोनों नाबालिग लड़कों को उनके धर्म के बारे में पहले उकसाया और फिर इस्लाम का पाठ पढ़ाया। दोनों नाबालिग लड़के उसके कहने पर मस्जिद जाने लगे। लड़कों के परिवार को जब जानकारी मिली तो पुलिस से शिकायत की गई। पकड़े जाने की डर से अब्दुल ने अपनी सभी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी। तो ये बड़ी अपडेट गाजियाबाद से, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मनोज वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या ये केवल दो लड़कों का ही मामला सामने आया है या फिर और भी लोगों को इसने टारगेट किया था, भले ही सक्सेसफुल हुए हो ना हुए हो, क्या कुछ इंटरोगेशन में निकल के सामने आया? बिल्कुल, देखिए अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और सिर्फ दो ही लड़कों का नाम सामने नहीं आया। दो लड़के तो गाजियाबाद के, इसके अलावा एक फरीदाबाद और चंडीगढ़ के भी लड़के का नाम इसमें सामने आया है। पुलिस लगातार उन लड़कों से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो एक आरोपी अभी तक फरार है, जो कि ठाणे महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसकी तलाश में भी गाजियाबाद पुलिस की टीम थाने में मौजूद है। लेकिन खबर चलने के बाद से वो जो शख्स है बद्दो नाम का, वो फरार है। पुलिस की जो टीम है वो 10 जगहों पर लगातार रेड कर चुकी है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ है, जिस गेमिंग ऐप की बात हो रही है वो गेमिंग ऐप भारत के अंदर बैन है, यानी कि वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और जब बद्दो गिरफ्तार होगा तब इसका खुलासा होगा कि आखिरकार क्या ये सिर्फ चार ही नाबालिग लड़के थे, इसके अलावा इन्होंने और लोगों को भी अपना चार बनाया है। दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक गोदाम में रखे संदूक के अंदर दो बच्चों की लाश मिली। ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में मौजूद एक गोदाम में एक पुरानी संदूक के भीतर दो सगे भाई बहनों की लाश मिली है। दोनों नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। दोपहर में 3 बजे के आसपास इन्होंने अपने परिवार के साथ खाना खाया था और 3:30 बजे के बाद से ये दोनों ही बच्चे लापता हो गए थे। 5-5:30 बजे के बीच में जो बच्चों की माँ है वो छत पर गई और जो भारी सा संदूक है जब उसको उन्होंने खोल कर देखा तो दोनों बच्चे उसी संदूक के अंदर पड़े हुए थे, उनके मुंह से झाग आ रहा था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि 8 और 6 साल के दोनों भाई बहन खेल खेल में संदूक के अंदर घुसे और गलती से संदूक का दरवाजा बंद हो गया, जिससे दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई। तो ढक्कन खुला है और दोनों बच्चे अंदर गए हैं और उसके बाद ये ढक्कन गिर गया, भारी सा ढक्कन है। ढक्कन गिरने के बाद उसकी कुंडी लग गई शायद, तो ये बाहर नहीं निकल पाए। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सारे सबूत जुटा लिए हैं। अब इंतजार है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए। पोस्टमार्टम से साफ होगा कि बच्चों की मौत की असली वजह क्या रही। उधर मुंबई के गर्ल्स हॉस्टल में युवती की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती उससे पहले ही मामले में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल जिसे आरोपी माना जा रहा था कि जिसने रेप किया है, उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पूरी खबर देखिए। मुंबई में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चर्चगेट इलाके के गर्ल्स हॉस्टल में 18 साल की लड़की का शव संदिग्ध हालत में उसके कमरे से बरामद हुआ। शुरुआती जांच के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया। यहाँ पे चरनी रोड स्टेशन के पीछे मरीन ड्राइव पे है, जिसके चौथे माले पे एक 18 साल लड़की की बॉडी उसके रूम में पाई गई थी। उस रूम को बाहर से लॉक किया गया था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, इमीडिएटली पुलिस वहाँ पे स्पॉट पे पहुंची। उसके बाद फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट और डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया। इस बारे में जो एफआईआर है वो मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दाखिल की जा रही है और आगे की तपास जारी। शक है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप भी किया गया, गला दबाकर उसको मार दिया गया। आरोप गर्ल्स हॉस्टल के ही वॉचमैन पर लगा। पुलिस उसे तलाश कर रही थी तभी मामले में नया पेच आ गया, जब आरोपी वॉचमैन का शव चरनी रोड रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ। जाहिर है ये पूरा मामला मुंबई पुलिस के लिए अब पहेली बन गया है। कई सवाल सामने हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि युवती की हत्या किसने की, और अगर वॉचमैन ही इसके पीछे था तो उसने खुदकुशी की या फिर उसकी भी किसी ने हत्या कर दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।